हम सबके जीवन काल में आधार कार्ड का बहुत ही बड़ा महत्व है। खाता खोलने से लेके अगर आपको कोई भी सरकारी स्कीम का लाभ लेना है तो आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए। अगर ऐसे में आधार कार्ड में कोई त्रुटि है, अगर आप सुधार करवाना चाहते हैं, कोई भी अपडेट करवाना चाहते हैं, जैसे नाम, जेंडर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, तो आपको पता होनी चाहिए हम कितनी बार इसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए, अगर आपके पास आधार कार्ड है, अगर आप नाम चेंज कराना चाहते हैं तो अपने आप जीवन काल में मात्र दो बार ही चेंज करा सकते हैं। तो जब भी चेंज कराने चाहिए, जब भी अपडेट कराने चाहिए, जब भी सुधार करवाना चाहिए, तो आप बड़े ही ध्यान से कर सकते हैं ये सब काम। वहीं हम जन्मतिथि की बात करें, डेट ऑफ बर्थ अपने जीवन काल में आप मात्र एक बार ही अपडेट कर सकते हैं, तो थोड़ी सी ध्यान दे के इसको आप अपडेट कर सकते हैं। अगर हम जेंडर की बात करें चेंज कराना, तो अपने जीवन काल में आप एक बार ही जेंडर को अपडेट करा सकते हैं, सुधार करवा सकते हैं। वहीं आधार कार्ड में अगर आपको एड्रेस चेंज कराना है, अपडेट कराना है एड्रेस पता, तो आप अपने जीवन काल में आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर नाम अपडेट कराना है या डेट ऑफ बर्थ या जेंडर या एड्रेस, तो आप ये खुद से भी चीज़ें कर सकते हैं। खुद से करने के लिए आपके पास जो है आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए, तब ये चीज़ें कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन आप यहाँ से खुद से भी कर सकते हैं। अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ नहीं है तो आप आधार सेंटर में जाके नज़दीकी सेंटर में वहाँ से करेक्शन करवा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर या चेंज कराना चाहते हैं तो आपको 50 रुपया पेमेंट करना पड़ता है आधार के पोर्टल पे, तो ये आपका जो है अपडेट हो जाता है। अगर आपको नाम अपडेट कराना है या एड्रेस अपडेट कराना है या डेट ऑफ बर्थ या जेंडर, तो आपको एक रिक्वेस्ट देनी पड़ती है UIDAI को, तो वहाँ से रिक्वेस्ट देने के बाद 50 रुपया आपसे पेमेंट लिया जाता है। इसके बाद विद इन 15 दिन के अंदर में आपका जो है अपडेट हो जाता है। तो अपने जीवन काल में आप नाम को दो बार अपडेट कर सकते हैं, अपने जीवन काल में जेंडर या डेट ऑफ बर्थ को एक बार ही अपडेट कर सकते हैं, एड्रेस तो आप कई बार भी अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं, और टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप जाके कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। तो फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।